आइए दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। अभी हम जानेंगे कि आज जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि प्लायास मशीन एंड इस पैनल मशीन के बारे में कुछ जानकारी देंगे और पैनल में पैनल भी देखेंगे। ये देखिए, एक पैनल है जो कुछ दिन पहले हम इसको काम किए थे। इसमें क्या लगा रहता है वो देखेंगे। ये देखिए, 100 एम्पीयर का मेन स्विच है और ये नीचे से पावर आया हुआ है ट्रांसफार्मर से। इसी से मेन स्विच में इन हो गया और ऊपर से आउट हो के ये जाएगा चेंज ओवर में। ये देखिए, ये एक तो चेंज ओवर है, इसमें डीजी का भी रहेगा ऑप्शन और ट्रांसफार्मर का भी, मेन लाइन का भी रहेगा। नीचे से बाएं तरफ से आया है ट्रांसफार्मर से और दाहिने तरफ से आया है डीजी से, डीजी का पावर सप्लाई। और इसमें फिलहाल डीजी अभी लगा नहीं है, फिर भी उसका मेन स्विच लगा हुआ है और चेंज ओवर से निकला है ये आउटपुट। ये आउटपुट निकल के अभी जाएगा बस बार में। बस बार भी वही 100 एम्पीयर का लगा हुआ है इसमें। ये देखिए बस बार, और ये जो 3 ठो इनपुट हो गया, और इसमें जैसे कि मोटर 3 ठो लगा रहता है उसी के हिसाब से 3 ठो 3 पोल MCB भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए आउटपुट क्या हुआ है। ये हाइड्रोलिक का है, ये बेल्ट का है, ये और एक ग्राइंडर के लिए है, और ये ड्यूल स्टार्टर हमारा हाइड्रोलिक मशीन के लिए, और ये ड्यूल स्टार्टर बेल्ट के लिए। ये स्टार डेल्टा का स्टार्टर है, ये मिक्सर और ग्राइंडर के लिए, ये लाइटिंग के लिए स्विच बोर्ड है। ये देखिए इंडिकेटर के साथ बॉक्स दिया हुआ है, वोल्ट मीटर और एमीटर डिजिटल का, 230 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए मिक्सर और ग्राइंडर मशीन, इसी में मिक्स होता है। ये 15 HP मोटर है ग्राइंडर का चैनल चलाने के लिए, और यहाँ से जाएगा बेल्ट में, बेल्ट के जरिए मटेरियल जाता है और यहाँ ईट बनता है हाइड्रोलिक मशीन के जरिए। ये नीचे दिया हुआ है, देखिए रखा हुआ है हाइड्रोलिक का ऑयल टैंक, इसमें ऑयल रहता है। इसका मोटर उस तरफ है, बाद में आपको दिखाएंगे। ये है ऑपरेटर, यहाँ बैठता है ऑपरेटर के लिए। यहाँ लोकल स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ का NONC, और उस तरफ मिक्सचर और ग्राइंडर के लिए इधर ऑपरेटर रहेगा। ये देखिए एरो मार्क आ रहा है, यहीं पे दिया हुआ है दोनों। अभी ये मशीन जो है यहाँ से एक साथ में 8 ब्रिक्स निकलता है, इसमें जैसा लगाएंगे वैसा निकलेगा। 10 वाला लगेगा, 6 वाला भी लगेगा। और ये देखिए इसमें कॉलेज बन रहा है, इसी कॉलेज के लिए ये ब्रिक्स प्लान डाले थे और अभी बिजनेस भी कर रहे हैं इसी से। और ये देखिए पास में इसका ट्रांसफार्मर है 11x.4 का, ये 63 का ट्रांसफार्मर, 63 KV का ये ट्रांसफार्मर। ये देखते हैं वो जो मोटर हाइड्रोलिक का, ये 10 HP का मोटर है हाइड्रोलिक के लिए। और ये ऊपर देखिए 1.5 HP का बेल्ट के लिए मोटर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही जानकारी था, और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।